मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किच्छा पहुंचे। यहां उन्होंने पहले खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स के कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद वो नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में थूक जिहाद नहीं चलेगा, ऐसे लोगों के लिए समाज को आगे आने की जरूरत है, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लैंड माफियाओं पर भी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए, जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौलीग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे। जौलीग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां सावित्री देवी से मुलाकात की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां का हालचाल जाना, साथ ही उन्होंने डॉक्टरों परिजनों से अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। लगभग आधे घंटे सीएम योगी हॉस्पिटल में अपनी मां के साथ रहे। अस्पताल में योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध निहाल भी मौजूद रहे। रविवार को मुंबई बांद्रा टर्मिनल से लालकुआं जाने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया गया। मुंबई और अन्य उत्तरी राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनल से लालकुआं के बीच ये नई ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन बांद्रा से निकलकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, अमरोहा और मुरादाबाद जिलों से होते हुए लालकुआं तक जाएगी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यसभा सदस्य रामदास आठवले, आशीष शेलार, अमरजीत मिश्र समेत मुंबई उत्तराखंड समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। सीएम धामी रविवार को अपनी विधानसभा चंपावत के तामली तल्लादेश पहुंचे। यहां उन्होंने दशहरे मेले का शुभारंभ किया। सीएम ने मेला महोत्सव को सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के लिए आवश्यक बताया। सीएम धामी ने इस दौरान विधानसभा में अनेक विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने संस्कृति संरक्षण के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण रोकथाम के लिए राज्य हित में कड़े फैसले लेने की बात कही। धामी सरकार प्रदेश छोड़कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए प्रवासियों को वापस अपने निवास स्थान पर बुलाने और प्रदेश के विकास में मदद करने के लिए आओ अपने गांव वापस आओ अभियान चलाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। सीएम धामी ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत स्थापना दिवस 9 नवंबर से 2 दिन पहले की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने की दिशा में काम कर रही है। इस अभियान के जरिए प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस राज्य में बुलाने और प्रदेश के विकास में सहयोग करने के लिए अपील की जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रयाग कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने का निर्णय किया है। परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि कहीं थूक कर तो कहीं मूत्र से सनातन संस्कृति को भ्रष्ट करने की चेष्टा की जा रही है। कुंभ से पहले ही सरकार को यह तय करना होगा कि कौन जूस बेचेगा और कौन खाना खिलाएगा। यदि कुंभ में भी इस तरह का कृत्य सामने आया तो सनातनी चुप नहीं बैठेंगे और ऐसे लोगों को नागा सन्यासी दंडित करेंगे। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और Insta पेज के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।